हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी एजुकेटर, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप लोग करवाएं, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि क्या होती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे तो देखिए, अब तक मैंने देखा है कि क्वेश्चन आपका नहीं बना है जो आपका वाई ग्रुप वाला एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को ये भी कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा सकते हैं। तो अगर आपको इच्छा है अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ने की, तो उस वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से उनको ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सुनने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से आपको करवाए गए हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले रेशियो के बारे में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सिर्फ ट्राइंगल पे डिनोट है, और वो ट्राइंगल भी कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। सिर्फ इस पे ही ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। एक त्रिभुज के ऊपर यहाँ पे एंगल्स लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनके अलग अलग रेशियो निकाला जाता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे बनते हैं आपकी जो आइडेंटिटी होती है, साइन कोस ये सब चीज़ें। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले आपके पास में एक त्रिभुज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें कोई भी एंगल ले लीजिए, जैसे ये हमने मान लिया ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। अगर ये थीटा है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के जो एंगल आपने माना है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, ये आपके पास में होता है लंब। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एंगल ये है, देखिए अगर एंगल ये होता तो थीटा, अगर इसे मान लेते आप लोग, तो इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब हो जाता, ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं, साइन कोस कोस थीटा, आपके पास में जो अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं, इनका मान कैसे आता है। तो देखिए, ये 6 क्वांटिटी आपके पास में होती हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये 6 क्वांटिटीज आपको ध्यान रखनी है, और इनका मान कैसे निकलता है ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो देखिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है आल ए एल बटा के ए। ठीक है, हिंदी वाले कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, और आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, आपके पास में जैसा भी हो, लंब का मतलब आपका परपेंडिकुलर होता है, आधार आपके पास में बेस हो जाएगा, और ये आपके पास में हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, और ये आपके पास हाइपोटेनियस, और ये आपके पास में आधार है, तो ये आपके पास बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप इंग्लिश वाले हैं इस तरह से याद रख लीजिए, हिंदी वाले ऐसे याद रख लीजिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पास में इसी हिंदी वाले तरीके से, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लेना है कि जो ये अनुपात है आपके पास में लंब बटा कर्ण, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास में हाइपोटेनियस जो होता है, ये आपके पास होता है साइन थीटा। अगर थीटा ये माना है तो ये आपके पास में लेना है, और ये थीटा क्या होता है, जैसे इसका रेशियो, ये जो भुजा है ये अपॉन ये वाली भुजा, इसका जो अनुपात होगा वही साइन थीटा का मान होगा। ठीक है, तो उसके साथ में जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आपका आधार बटा करण यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस। अगर इसका, इस वाली भुजा का और इस भुजा का अनुपात अगर हम ले लेते हैं, तो वही अनुपात कोस थीटा का मान हो जाता है। साथ ही साथ बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो तीसरा अनुपात होता है आपके पास में लंब यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका जो अनुपात होता है ये आपके पास में क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, और जस्ट इनके अपोजिट जो तीन क्वांटिटीज बच गई हैं वो होती हैं, अब देखिए साइन थीटा की जस्ट अपोजिट आपके पास में क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि जस्ट ऊपर आपको कर देना है इसको, और इसको नीचे ले आना है, ये अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद में जो कोस थीटा आपके पास होता है, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो बेसिक चीज़ें तो आपने इतना तो जान लिया होगा। अब इनका मान भी आप देख सकते हैं कि सेम वही होता है, इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन का कोस का होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कोट, और जो आपके पास में टेन थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कैसे लिख सकते हैं, आप क्या कीजिए, साइन थीटा का जो मान है वो आप लिख दीजिए और कोस थीटा का मान लग दीजिए। तो ये सेम चीज़ें आपके पास में क्या हो जाएगी, जो आपके पास में हाइपोटेनियस आता है उसका जो मान है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा क्या, जो साइन थीटा एल अपॉन ए यानी कि लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास बेस बच जाएगा। ठीक है, सेम जस्ट कोट का जो उल्टा होता है वो होता है आपके पास में टेन, और टेन को अगर आप ऐसे साइन बटा कोस लिख सकते हैं तो इसको उल्टा लिख देंगे कोस बटा साइन। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया इनका अनुपात कैसे होता है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इससे चेक कर सकते हैं। मैंने बताया कि इनका मान क्या होता है, आधार यहाँ पे क्या है आपके पास में, आधार ये है तो बी सी बी ए हो जाएगा आपके पास में, या ए बी ले लीजिए, उसके बाद में कर्ण आपके पास में ए सी है। तो इस प्रकार आप अनुपात को खुद चेक कीजिएगा, पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा तो वो आप ज्वाइन कर लेना। ओके, उसके बाद ये सारी क्वांटिटीज़ की बात कर ली, उसके बाद बात करें सेक थीटा की, सेक थीटा का जस्ट अपोजिट हो कोस थीटा, और कोसेक थीटा का बात करें तो ये साइन थीटा होता है। ठीक है, इनके एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तीन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, साइन कोस टेन और उसके बाद कोसेक सेक और कोट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे इनका मान आता है ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी गई, सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि आपको दे देगा कि कोस 30 का मान आपके पास में कुछ है, जैसे कोस 30 का तो मान आपके पास में पता ही होगा आपके पास में कितना होता है, 1/√2। तो उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे कोस 30 की, और कोस 30 का मान होता है 1√3/2। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का वो मान जो आपके पास होता है वो 1/2 ऐसा होता है। ऐसे ही अगर आपके पास में ये बोल देता है, ये मान नहीं देगा आपके पास में कि ये इस थीटा का मान है आपके पास में 45 डिग्री, और आपसे बोल देता है कि अब आप इसमें क्या निकालिए, टेन थीटा निकालिए, या आप इसमें बोलिए कोट थीटा निकालिए, तो वो आपको निकालना है। थीटा के मान आपके पास दिया गया है तो थीटा का मान अलग अलग लिखना है, वो हम बात करेंगे अभी आगे, तो ये आपको नहीं ध्यान रखना है अभी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इनका अनुपात, जैसे इसका मान 2 दे देता है, इसका 3 दे देता है, अब आपसे पूछता है कि आप टेन थीटा का मान बताओ, तो टेन थीटा आपके पास में कितना है, टेन थीटा बराबर आपके पास क्या होता है लंब बटा आधार, लंब आपके पास 2 है, आधार 3 है, तो 2/3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा ही जाएगा, इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास दिया गया है कि कोस थीटा जो आपके पास में है वो 3/5 हो, तो साइन थीटा प्लस को थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी बात की कि कोस थीटा आपके पास में 3/5 है, अब कोस थीटा होता क्या आपको पता है, कोस थीटा क्या होता है आपके पास में, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार जो आपके पास में है बेस आपके पास में है 3 है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस आपके पास 5 है। अब एक ट्रिपलेट होता है आपके पास में, ये क्या होता है 3, 4 और 5, यानी कि 3, 4 और 5। अब देखिए 3 और 5 है आपके पास में, तो बचा हुआ क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये आपके पास में आधार है, तो ये आपके पास में लंब हो जाएगा, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस होना चाहिए 4, तो बेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आधार जो आपके पास में है वो 3 पहले ही आ चुका है, क्योंकि कोस थीटा का मान दिया, साइन थीटा का देता तो 4 आपके पास क्या हो जाता, ये पहले ही आता। अब आपसे जो मान पूछा है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान आपके पास में पता ही है आपको क्या होता है आपके पास में, लंब बटा करण। ठीक है, तो लंब आपके पास में कितना आया, अभी आपने निकाला था 4 और करण का मान 5 था, तो इस प्रकार आपको इसका मान लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पे आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं जहाँ से, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक साथ सारा नहीं लिख पाता, बार बार मिटाना पड़ता है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, ये आपको दिया गया है, वैसे ट्रिपलेट आपको याद नहीं रहता तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी होती है, कि आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसी को आप आगे पीछे करके क्वांटिटीज को इंटरचेंज करके आप उसमें मान निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो आधार था वो 3 हो गया, 5 आपके पास कर्ण है, तो लंब स्क्वायर आपके पास में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9, माइनस करेंगे 16, 16 का स्क्वायर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कुछ कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद रख लेने हैं, जैसे 3, 4, 5 है, अब इनका जस्ट मल्टीप्लाई आपके पास में करेंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, 6, 8, 10, तो ये भी ट्रिपलेट होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात, आपको साइन थीटा का मान निकालना था, कोट थीटा का और टेन थीटा का, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास में, इसमें आपको मान रखने हैं। तो साइन थीटा का आपने मान निकाला, साइन थीटा का भी हमने निकाला था कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपके पास 4 है, 5 आपके पास में क्या है, कर्ण है, तो 4/5 हो गया कोट आपके पास में, कोट थीटा। आप देखिए टेन थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार का मान 3 है और लंब हमने निकाला 4, ये हो जाएगा टेन थीटा आपके पास 4/3 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। अब साइन थीटा का मान रख दो, कोट थीटा का मान रख दो, टेन थीटा का मान रख दो, तीनों मान हमारे पास में, इनका मान हम रखेंगे, इसको आप सोल्व कर लेना, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था, इसको जोड़ लेना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, 93/80 आपके पास आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल ऐसा बन सकता है।
बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इतना भी आपके नहीं बनता है ये सब चीज़ें आपके पास में। सिर्फ आपको इतना पूछेगा कि cos 3/5 आपके पास में है cos थीटा, तो आपको बताना है कि sec थीटा क्या होगा। ये आपसे एक सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछ लेगा, ठीक है। बाकी मैं पूरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जैसे भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि cos A, अब थीटा की जगह कुछ भी ले सकता है, ए ले लिया इसने, ये आपके पास में 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा आपके पास में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास में हो गया। इसमें आप देखेंगे कि cos इज इक्वल टू क्या है, 1/2। अब आपसे पूछ लिया देखिए sec, अब sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आपको मान की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका क्या कर देना, इनवर्स कर देना 1/1/2। अब ये आप करेंगे तो आपके पास में इसका मान आ जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया बात, जो अभी मैंने आपको बताया एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उसी हिसाब से। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में है कि tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ना देखिए अल्फाबेटिकल वैल्यू दे दी, a/b है। तो आपको बोला कि cos θ + sin θ / cos θ - sin θ आपको सोल्व करना है। तो इसका मान आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही मान निकालना है जैसे tan θ का मान आपके पास में क्या है, a/b आपके पास में दिया गया है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लंब, और ये आपके पास में आ जाएगा आधार, और ये आपके पास में लंब और आधार आ गए तो कर्ण निकाल लेना, कर्ण a² + b² हो जाएगा। और उसी के साथ मैं अगर बात करूँ तो tan θ की एक और क्वांटिटी होती है, वो होती है कि sin θ / cos θ। अब sin θ / cos θ इसी का अनुपात हमें चाहिए, तो अनुपात यहाँ पे क्या दे रखा है, a/b। तो आपको वो भी निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या कर लीजिए कि यहाँ पे sin θ का मान a हो गया, cos θ का मान b हो गया। अब आपको चाहिए cos और sin का मान ही, तो यहाँ पे रखिए b+a और b-a, सिंपल सा आपके पास आंसर ये भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी उस तरीके से करते थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो sin θ / cos θ होता है tan θ, तो ये भाई भी आपके पास हो जाएगा, और इसमें आप लिख सकते हैं आंसर। अब जो मेन चीज़ आपके पास में आ रही है वो आपको ध्यान रखना है, और इसके बारे में हम बात करेंगे जो आपके पास में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। कुछ आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी पड़ती हैं वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो देखिए आपको पता होगा कि sin² + cos² = 1 होता है। अब ये कैसे होता है, अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो अभी आपको ये चाहिए कि आप इसको छोड़ दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों के बारे में जानने की, आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में मैंने पहले आपको करवा रखा है ये कैसे आता है ये मान, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में आपके पास में एक और क्वांटिटी होती है कि 1 + tan²θ = sec²θ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि sec²θ - tan²θ = 1 होता है, और cosec²θ - cot²θ = 1 होता है। तो ये सेम चीज़ें आपके पास में होती हैं, ये तीनों आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। आपको उस क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाएगा अगर पूछा जाता है आइडेंटिटी से क्वेश्चन, बाकी आपको एंगल से क्वेश्चन पूछ लेगा या आपको रेशियो से पूछ लेगा, आपको आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलो फिर इसके बाद में बात करते हैं हम, जो आपके पास में ये त्रिकोणमितीय मान हैं और इनके बारे में हमें पता करना है। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सारणी को याद रख लें, वैसे मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे इसका मान आता है और कैसे याद रखने के तरीका है। 90 डिग्री के तक याद रख लीजिए, बस इतना आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सारणी आपको क्या करना है कि थीटा का मान जो आपके पास में है, sin θ, cos θ, tan θ, cot θ, sec θ, cosec θ, सेम इसी तरीके से आपको ये लिखना है ये, और उसके बाद ये आपको एंगल लिख लेने हैं। अब ये एक लाइन आप याद रख लो, सबसे पहले क्या होता है कि जो sin 0 होता है उसका मान 0 होता है, और cos 30 जो होता है ना इसका मान होता है 1/2, और cos 45 जो होता है उसका मान होता है 1/√2, और cos 60 √3/2, और ये होता है 1। अब ये लाइन बस सिर्फ याद रख लो, इसके बाद कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी कि 0 होता है पहला और लास्ट होता है 1, यानी कि 90 डिग्री तक ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। पहला होता है 0, ये होता है लास्ट, और सेकंड जो होता है वो 1/2 आधा होता है, और ये √3/2, ये 1/2, ये √3/2, ये 1/√2। अब आपको क्या करना है कि जो cos 90 होता है ना, सॉरी cos 0 डिग्री होता है ना, वो sin 90 के बराबर होता है। तो ये जो मान होगा ये आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ आपको सारणी बना लेनी है, वहाँ पे ये लिख लेना है आपको, अगर आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है, बेसिकली लोगों को याद हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो जाएगा ना ये यहाँ पे आपको लिख देना, उसके बाद में सेम इसको ऐसे लिख देना, इस जो सेकेंड वाला है इसको सेम रखना है, उसके बाद में ये वाले को यहाँ पर रखना है और ये वाले को यहाँ पर रखना है, सेम इसको चेंज कर देना, यानी कि जो इसका 30 है ये इसका 60 होगा, इसका 45 45 सेम रहेगा, जो इसका 0 है ये इसका 90 रहेगा, यानी कि बस ये एक दूसरे में इस प्रकार से रहेंगे। अब आपने ये तो कर लिया, अब बात आती है tan θ की। tan θ में हमने पढ़ा कि sin θ / cos θ होता है, तो बस सिर्फ डिवाइड कर दो इनको, यहाँ पे भाग दे दो और उसके बाद कुछ नहीं, तो 0/1 ये पूरा 0 हो जाएगा,
वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा और ये बच जाएगा वन बाई रूट थ्री, तो वन बाई रूट थ्री। उसके बाद ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो इसका मान वन, और उसके बाद देखेंगे कि ये रूट थ्री बाई टू है, इस टू से टू कट जाएगा एक नीचे रहेगा तो यानी कि रूट थ्री बाई वन यानी कि रूट थ्री हो जाएगा। अब वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फाइनेट होता है, ठीक है, तो ये आपके पास में माना गया। अब सेम ऐसा ही क्या होता है कि जैसे साइन का उल्टा कोस होता है उसे टेन का उल्टा कोट होता है, तो अगर यहाँ पे इन्फाइनेट है तो ये यहाँ पे रखिए, यानी कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आपके पास में जीरो डिग्री है ना वो तो बदलेगा किसके हिसाब से, 90 के हिसाब से, ये 30 डिग्री बदलेगा 30 के हिसाब से, ये सारा का सारा ऐसा सेम रहेगा, 45 45 रहेगा, यानी कि अगर कोस 45 एक है तो कोट 45 भी एक ही रहेगा। उसके बाद में सेक की बात करें तो सेक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वन अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो अब यहाँ पे वन के अपॉन रख दो तो वन अपॉन जीरो यहाँ पे देखेंगे तो ये वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फाइनेट, सॉरी एक मिनट, सेक थीटा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा किसका होता है, कोसेक थीटा, तो पहले कोसेक थीटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपने क्या लिखा कि वन अपॉन साइन थीटा यानी कि वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो इन्फाइनेट, इन्फाइनेट आपके पास में आ गया। अब उसके बाद में लिखेंगे कि वन अपॉन वन बाई टू, क्योंकि साइन 30 कितना था, वन बाई टू, तो वन बाई टू से आपके पास में क्या आ जाएगा, टू आंसर आ जाएगा, ये टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये टू आ जाएगा। उसके बाद में वन बाई आपके पास में है वन अपॉन वन बाई रूट टू आपको लिखना है, तो वन अपॉन वन बाई रूट टू तो ये भी रूट टू हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास रूट टू आ गया। इसके बाद में आपको लिखना है वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, यानी कि इसको उल्टा लिख देना है, टू बाई रूट थ्री आ जाएगा और वन अपॉन वन लिखने से वन ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि कोस का जब वन अपॉन लिख देंगे तो ये आपके पास सेक आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना कौन किसका उल्टा आता है, साइन आपके पास में कोसेक का होता है, कोस आपके पास सेक होता है, टेन कोट का होता है, इस प्रकार से ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये मान आपको याद रख लेना है, या आप इस तरीके से इसको सारणी को बना सकते हैं, 2-4 मिनट का आपका टाइम लगेगा अगर आपको यहाँ पे याद नहीं हो रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है, बाकी तो ज़्यादातर लोगों की ये चीज़ याद रहती है, तो इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम मैंने आपको इसीलिए लिया यहाँ पर कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाना है और इनमें बेसिक आपका इसी तरह से कॉन्सेप्ट मजबूत करना ज़रूरी था। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है कि 1060 अपॉन साइन 30 प्लस कोस 60, तो इसमें आप कुछ नहीं करना था, 1060 का मान निकालना था। 1060 आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइन 60 अपॉन कोस 60, तो साइन 60 आप अगर सोचेंगे तो कितना था आपके पास में, रूट थ्री बाई टू, और आपके पास में दूसरी बात आती है कि कोस 60, तो कोस 60 मतलब साइन 30, साइन 30 वन बाई टू था, तो टू से टू खत्म हो गया, ये आपके पास रूट थ्री बच जाएगा। तो सेम ऐसे आप देख सकते हैं ये रूट थ्री आ गया। उसके बाद साइन 30 वन बाई टू और कोस 60, यानी कि साइन 30 और कोस 60 एक दूसरे के सेम होते हैं, तो ये आपको क्या समय क्या हो जाएगा, वन बाई टू वन बाई टू, तो ये आपके पास में इसको सोल्व करना, वन बाई टू अपन वन बाई टू वन हो जाएगा, यानी कि रूट थ्री बाई वन, और ये आपके पास रूट थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें बी आंसर आ जाएगा आपके पास में। इसी सेम क्वेश्चन आपके पास में एक और क्वेश्चन की 10²30 प्लस 10²45 प्लस 10²60, तो इसका मान कैसा होगा, इसके लिए आप खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सोल्व करने की कोशिश करना। सेम आपको कुछ नहीं करना था कि 10²30 है, 10³० आपके पास में पता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, 10⁴५ आपके पास में 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो, 10⁶० आपके पास में √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, सेम इनको जोड़ दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास में है कि 3 sin²30 प्लस 2 tan²60 माइनस 5 cos²45, तो सभी का कुछ नहीं करना है, सेम वैसे के वैसे 3 का 3 रख लेना, ये मल्टीप्लाई में है इसके। उसके बाद में साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर करो, प्लस साइन 10²60, 10⁶० का मान कितना, √3 होता है, और √3 का क्या कर देना आपको, स्क्वायर कर देना है। उसके बाद माइनस cos45 आपके पास में है तो इसका मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर देना, 5 इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ये देखिए यहाँ पे 5 नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको आपको करना है सोल्व। जैसे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 3 मल्टीप्लाई में 2, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा क्योंकि इससे √2 हट जाएगा, माइनस 5 × 1/√2 1/2 हो जाएगा, इसको आपको सोल्व कर लेना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपके पास 3/4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, इसको आपको सोल्व कर लेना है, एलसीएम लेना है, 4 आ जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 × 2, यानी कि ये 2 बार चला जाएगा और ये 4 बार जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और ये आपको सोल्व करके आंसर दे देगा 17/4। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी लोगों के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस इसी लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछेगा अगर ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा, क्योंकि आपका सिलेबस में पहले ही दिया गया है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आइडेंटिटीज याद रख लेना है, रेशियो याद रख लेना है, और कुछ मान से आपको याद रख लेना है, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, सारी चीज़ें जानना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, खुद से प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन होता है चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी लोगों का रिवाइज हो गया होगा एक बार फिर से सारी चीज़ें, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी समस्या हो आप कमेंट कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और पीडीएफ फाइल आपको इसका चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें आपको है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, पहले से जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।